हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आरसीबीओ। आरसीबीओ क्या है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। आरसीबीओ का वर्किंग कैसे होता है और कहाँ पे हम आरसीबीओ यूज कर सकते हैं उसके ऊपर हम आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। RCBO का फुल फॉर्म है रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड, या तो ओवरलोड भी बोल सकते हैं या तो ओवर करंट भी बोल सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो MCBM को जो प्रोटेक्शन दे रही है और यहाँ पे जो RCBM को जो प्रोटेक्शन दे रही है, वो दोनों डिवाइस का कंबाइंड डिवाइस है जो RCBO है। फिर हम पहले MCB के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हम RCCB के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम RCBO के बारे में बात करेंगे। MCBM जो दो टाइप का प्रोटेक्शन देती है, जो एक ओवरलोड प्रोटेक्शन एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे 10 एम्पियर की है, मींस के उसमें से 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, MCBA तुरंत ट्रिप होगी। चलिए फिर हम नेक्स्ट RCCB के बारे में बात कर लेते हैं कि RCCB का फंक्शन क्या है और कहाँ पे हम RCCB यूज कर सकते हैं। RCCB का फुल फॉर्म है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। RCCB का वर्किंग कैसे होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इजीली देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही RCCB है जिसको हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से करंट पास होगा। मीन्स कि यहाँ पे फेज में से जितना करंट पास हो रहा है, मीन्स के फ्लो हो रहा है, उतना रिटर्न न्यूट्रल में से मिलना चाहिए। कोई कारणों से करंट लीकेज हो गया और वहाँ पे किसी ने टच कर लिया तो क्या होगा, उसकी बॉडी में से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 एम्पियर है जो फेज में से पास हो रहा है, जो न्यूट्रल में से रिटर्न नहीं मिलेगा, तब यहाँ पे जो RCCB है जो ट्रिप होगी। मीन्स के RCCB का फंक्शन क्या हुआ, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करता है जो RCCB का वर्किंग है। हम घरों में भी RCCB का यूज करते हैं, जो MCB के साथ हम कनेक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं कि वुमन सेफ्टी के लिए, मीन्स के पर्सनल सेफ्टी के लिए हम MCB के साथ हम RCCB है जो हम कनेक्ट करते हैं। कि हम घर में दो डिवाइस यूज करेंगे, जो RCCB प्लस MCB यूज करेंगे, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, मीन्स कि ये दोनों का कंबाइंड वर्जन है जो RCBO है। जो यहाँ पे हमको MCB जो प्रोटेक्शन दे रही है प्लस जो हमको RCCB प्रोटेक्शन दे रही है, वो दोनों प्रोटेक्शन है जो सिंगल डिवाइस है जो RCBO हम दोनों का प्रोटेक्शन देता है। मीन्स कि यहाँ पे जो MCB हमको जो दो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो ओवरऑल प्रोटेक्शन है एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, भाई यहाँ पे जो RCCB हमको जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो लीकेज करंट है, जो पर्सनल सेफ्टी के लिए हम RCCB यूज करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे दो डिवाइस है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनका कंबाइन है जो हम RCBO यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हम एक ही RCBO डिवाइस है जो हम यूज करेंगे, तब यहाँ पे MCB का जो फंक्शन है और RCCB का जो फंक्शन है, वो दोनों का कंबाइन है जो RCBO का फंक्शन है। यहाँ पे जो RCCB का सेकंड रेटिंग यहाँ पे जो 30 मिली एम्पियर है, मीन्स के फेज एंड न्यूट्रल में से 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट का डिफरेंस आएगा, तब यहाँ पे जो RCCB है जो ट्रिप होगी। वैसे RCBO में भी डिफरेंट रेटिंग रहता है, जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है जो 2 पोल के RCBO है, मीन्स के यहाँ पे हम फेज न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, इसका भी दो रेटिंग है। यहाँ पे जो 16 एम्पियर एंड 0.03 एम्पियर, मीन्स के 30 मिली एम्पियर रेटिंग है, उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आउटपुट में हम लोड कनेक्ट करेंगे, जो हम फेज न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, तो उसका डिफरेंस है, मीन्स के फेज में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना रिटर्न न्यूट्रल में से मिलना चाहिए, जो उसका डिफरेंस है जो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा होगा, तब यहाँ पे जो RCBO है जो ट्रिप होगी। सेकंड हम 4 पोल का RCBO के बारे में बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है जो 4 पोल का RCBO है, मीन्स के हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे एंड RYB है जो 3 फेज सप्लाई जो हम कनेक्ट करेंगे, उसमें भी दो टाइप का रेटिंग है। जो यहाँ पे 63 मीन्स के 63 एम्पियर है और सेकंड है जो 100 मिली एम्पियर है, उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से फेज वायर में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना रिटर्न न्यूट्रल में से मिलना चाहिए। मीन्स के जो 100 मिली एम्पियर है उससे ज्यादा डिफरेंस होगा जो हमको रिटर्न नहीं मिलेगा, तब यहाँ पे जो RCBO जो ट्रिप होगी। RCBO का यूज कहाँ पे होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे RCBO का यूज होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में भी RCBO का यूज़ होता है, क्योंकि जो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो MCB हमको जो दे रही, जो RCBO दे रहे, प्लस जो RCCB है जो हमको अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन दे रही, वो भी RCBO जो हमको प्रोटेक्शन दे रही। मीन्स के जो सिंगल डिवाइस है, जो MCB प्लस RCCB का कंबाइंड वर्जन है जो RCBO है, जो इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर यूज होता है। सेकंड हम घर में जो RCCB का भी यूज करते हैं, जो MCB के साथ हम इंस्टॉल करते हैं, जो सेफ्टी के लिए। यहाँ पे आपको दो डिवाइस है जो इंस्टॉल करना पड़ता है, बट यहाँ पे जो RCBO है जो सिंगल डिवाइस आप यूज कर सकते हैं,
बट उसकी कॉस्ट है जो ज़्यादा रहती है, जो एमसीबी प्लस आरसीबी का जो कॉस्ट है उससे जो आरसीबीओ का कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आरसीबीओ का जो 30 मिली एम्पियर एंड 100 मिली एम्पियर का रेटिंग रहता है तो कौन सा रेटिंग हम कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको घर के लिए आरसीबीओ यूज़ करना है तो आप कितना रेटिंग का आरसीबीओ यूज़ करेंगे, मीन्स कि आपका घर का लोड है उसमें करंट डिफरेंस है जो बहुत कम होगा तो वहाँ पर आप 30 मिली एम्पियर का रेटिंग का आरसीबीओ यूज़ कर सकते हैं। अगर जो करंट डिफरेंस है जो ज़्यादा रहता है, मीन्स के जो फेज में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना न्यूट्रल में से रिटर्न नहीं मिल रहा है, जो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे आप 30 मिली एम्पियर का आरसीबीओ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो बार बार ट्रिप होगा तो वहाँ पे आप 100 मिली एम्पियर का आरसीबीओ जो यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया कि आरसीबीओ क्या है और आरसीबीओ का वर्किंग क्या है और कहाँ पे हम आरसीबीओ यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, आपकी लाइक एंड कमेंट हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।